प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमारा जो T1 का टर्म 1 का जो हमारा सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो गया है बुक का। अब हम थोड़ा बहुत ग्रामर कर लेंगे। तो पहले मैंने आज आपके लिए दो लेटर्स निकाली हैं। पहले मैंने आपके एक एप्लीकेशन दिखाई थी जिसमें आपको स्कूलिंग सर्टिफिकेट के बारे में था शायद, वो एप्लीकेशन एक थी। आज मैंने दो लेटर्स निकाली आपके लिए। पहले लेटर है, रिसेंटली योर एग्जाम्स वर कंडक्टेड, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू हैव फेयर्ड इन योर एग्जामिनेशन। यू आर रमनीक और रमा ऑफ हॉस्टल नंबर 1, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, पानीपत। आपने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है और अपने फादर को चिट्ठी लिखी है कि आपने एग्ज़ाम में कैसा किया है, ठीक है। और आप कौन हो? आप रमनीक हो अगर लड़की हो, लड़के हो, और अगर लड़की हो तो रमा हो, और एड्रेस आपका है हॉस्टल नंबर 1, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, पानीपत, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं लेटर? पहले हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में वही, जो एड्रेस अगर दिया होगा तो एड्रेस वही लिखना है, अगर नहीं दिया होगा तो क्या लिखना है वो अगले लेटर में बताऊँगी मैं आपको। तो यहाँ पे एड्रेस दिया तो हॉस्टल नंबर 1, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल, पानीपत। उसके बाद डेट आती है, डेट आपने करंट डेट देनी है जो चल रही है। उसके बाद डियर पापा, होप यू आर वेल विद मम्मी एंड माय लिटिल सिस्टर। फिर अपने फादर को बोलना है कि मुझे उम्मीद है आप और आप मम्मी और मेरी छोटी बहन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट माई एग्जाम्स गॉट ओवर टूडे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुशी से कि आज मेरे एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गए। द क्वेश्चन पेपर्स वर ए बिट डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन पेपर्स थोड़े डिफ़िकल्ट थे। हाउएवर आई हैव क्रॉस चेक माई आंसर्स विद माई टीचर्स। लेकिन फिर भी मैंने अपनी क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स अपने टीचर्स के साथ क्रॉस चेक कर लिए हैं। उनको मैंने अपना क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके दे दिया है। दे से दैट आई हैव डन ऑल द पेपर्स क्वाइट वेल। उन्होंने कहा कि आपने, कि मैंने जो है सारे पेपर्स अच्छे किए हैं। सो आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू रिटर्न होम सून, और मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ। पे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड लव टू माई सिस्टर। मेरी माँ को मेरी तरफ से सलाम करना या कहना, और मेरी छोटी बहन को मेरी तरफ से प्यार देना। यूअर्स अफेक्शनेटली रमा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे रमा लिखोगे या रमनीक लिखोगे, अगर लड़के हो तो रमनीक, अगर लड़की हो तो रमा। इसी तरह दूसरी लेटर है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर सिस्टर। अपनी बड़ी बहन को चिट्ठी लिखिए उसके बर्थडे पर। वो घर से बाहर है, शी इज़ अवे फ्रॉम होम। वो घर से बाहर है क्योंकि वो कहीं पे एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। अब इसमें जब यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया है तो आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे? इसको आप स्टार्ट ऐसे करोगे, एग्जामिनेशन हॉल कुपवारा, ठीक है। और फिर डेट दोगे, उसके बाद लिखोगे, रेस्पेक्टेड सिस्टर, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द ओकेजन ऑफ योर कमिंग बर्थडे। मेरी तरफ से आपके आने वाले जो जन्मदिन है उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट यू वॉन्ट बी विद अस ऑन योर बर्थडे। पहली बार आप अपने बर्थडे पर घर पे नहीं होंगे। However, I sincerely wish that you get admission in some good medical college. लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, क्योंकि आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। I know how you have been working for it. मुझे पता है कि आप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। I wish I were with you. मुझे आज बहुत आपकी याद आ रही है, मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं आपके पास आ जाऊं। आई हैव बॉट अ स्मॉल प्रेजेंट फॉर यू। मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है, होप यू विल लाइक इट। जब आप देखोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो पसंद आएगा। विद लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। यूअर्स अफेक्शनेटली ABC। यहाँ पे नाम वगैरह कुछ नहीं देना होता है और ना ही एड्रेस लिखना होता है जहाँ पे लेटर में एड्रेस वगैरह ना दिया हो तो, ठीक है। इसके आगे हम कल करेंगे। कल मैं आपको दो एसेज करवाऊँगे और इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा अब ग्रामर का पोर्शन करते जाएंगे, ठीक है बेटा।